सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु जो आए हुए हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि सोलापुर शहर में एक चर्चा का विषय है, अभी कल जैसे कि पता चला है कि हमारे सोलापुर शहर की कांग्रेस की आमदार मैडम प्रणीति ताई शिंदे जी ने कल एमआईएम पार्टी पर कुछ टीका किए, कुछ अपनी प्रतिक्रिया दिए, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि एमआईएम को मतदान करना यानी बीजेपी को वोट करना। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंग्लिश में कहावत है, बोलना है कि लुक हु इज टॉकिंग, यानी देखो ये कौन बोल रहा है। आज सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो सत्ता में इनका जो भागीदार है, जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब, ये शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं और 2019 के विधानसभा इलेक्शन में ये लोग बीजेपी के अलायंस थे, इन लोगों ने बीजेपी के साथ युति करके इलेक्शन लड़ा था। तो मेरा ये मानना है कि लोगों ने, जिन्होंने शिवसेना को वोट दिए वो बीजेपी के भी वोट मिले होंगे, तो बीजेपी के एक्चुअल जो ऑफिशियल वोट जिन्होंने लेकर सत्ता में आए हुए लोग हैं, जो शिवसेना को सीटें प्राप्त हुई है, और उन लोगों के साथ इन लोगों ने आज अलायंस करके या जो भी महाविकास आघाड़ी बनाकर आज सत्ता में है, और ये लोग अगर हम पर सवाल करें तो मैं समझदार को इशारा काफी है, बोलना कुछ जरूरी नहीं है। इसके अलावा और हमारी मैडम आमदार ने बहुत सारी बातें कही है जिसमें हमारे पाक कुरान का भी उल्लेख किया गया है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए कुरान का जो अहमियत है हम मुसलमानों की जिंदगी में, उसको हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ एमआईएम पार्टी नहीं, इतर कोई भी पार्टी का कोई भी नेता, मुस्लिम नेता हो, उसने राजनीति में अपना फायदा उठाने के लिए कुरान शरीफ का कभी कोई इस्तेमाल किया होगा। तो मैं मैडम से विनती करता हूँ कि ठीक है, इलेक्शन है, राजकारण है, आप हम पर टीका टिप्पणी कीजिए, हमको जो बोलना है बोलिए, लेकिन प्लीज कृपा करके हमारे कुरान, मतलब जो हमारी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ है, उसके बारे में उसको इस पॉलिटिकल चीजों में ना लाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में भी बताया गया कि वंचित बहुजन ने आके काम बिगाड़ दी, तो मेरा ये सवाल है कि 2014 में तो वंचित बहुजन आघाड़ी का कोई उम्मीदवार नहीं था यहाँ पर, फिर भी कांग्रेस पराभूत हो गई थी यहाँ पर। फिर 2019 के इलेक्शन में जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुलबर्गा का एक एग्जाम्पल दिए, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस से उम्मीदवार थे खासदार के लिए, उनकी हार हो गई, वहां पर तो कोई वंचित आघाड़ी नहीं थी। तो और ऐसे एक कई एग्जाम्पल्स है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, ऐसे और भी कितने राज्य ऐसे है जहां पर एमआईएम का कोई उम्मीदवार ही नहीं है, फिर भी कांग्रेस अपनी सीटें, अपनी जमानत बचाने में असफल रही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब ये बस करें, ये बहुत पुरानी कैसेट हो गई है कि एमआईएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ना बंद करें। इससे बेहतर, मैं बहुत छोटा हूं हर एतबार से, फिर भी मैं एक नसीहत देना चाहूंगा कि आज के बाद से एमआईएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ने से बेहतर ये होगा कि आप अपना वो एनालिसिस करें, अपनी पार्टी के अंदर हम क्यों हार रहे हैं, हमारी क्या कमियां हो रही है, हमारे कौन से नेता हम लोगों को छोड़कर पार्टी को वीक करके बाहर जा रहे हैं। अगर आप लोग इस पे एनालाइज करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में इसका फायदा होगा। होता ये है कि आपके अंदर के नेता काम नहीं करते हैं, लेकिन आप उनको दोष देने के बजाय एमआईएम को दोष देते हो, तो वो नेता वैसे ही रहेंगे हमेशा, और वो आगे भी आप लोगों के लिए घातक बने रहेंगे। तो मेरा मशवरा ये है, हम लोगों को बी टीम बोलना छोड़ दीजिए, जबकि आज पूरे भारत देश की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस, हम तो अगर आप बी टीम बोलते हैं तो कांग्रेस ए टू जेड टीम है, हम सिर्फ अगर बी है तो आप ए टू जेड हो, क्योंकि आपकी पार्टी से जीता हुआ आमदार हो, खासदार हो, माइग्रेट कर जाता है भाजपा में, वो भाजपा का मिशन लोटस को सक्सेसफुल करने के लिए पलटी मार देता है, वहां पर सत्ता पलट हो जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और अगर हम सोलापुर शहर का ही एग्जाम्पल दें, 2019 के विधानसभा इलेक्शन में जो, जब मैं एमआईएम का उम्मीदवार था, मेरे खिलाफ प्रचार के लिए इसी सोलापुर शहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां पर आए थे प्रचार करने के लिए कांग्रेस की तरफ से, ये बोलना जरूरी है, क्योंकि आज वो कांग्रेस में नहीं, आज वो बीजेपी में। तो मेरा ये सवाल है कि आप बताएं कि बीजेपी की बी पार्टी कौन है, बी टीम कौन है। अगर आप लोग इस चीज से बाज नहीं आएंगे तो आगे भी आप लोगों को ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। और रही बात एमआईएम की, एमआईएम के काम करने की, तो मैं आपको बताता चलूं कि आपके जो भी खबरी है उनको, उनकी जरा पगार बढ़ाइए आप, लगता है कि आप पगार बराबर उनको टाइम पर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन गलत जा रही है।
एमआईएम ने लॉकडाउन में जितना काम सोलापुर शहर में की है, मैं समझता हूँ उतना काम किसी भी सत्ताधारी पक्ष हो या जो भी लीडर्स हो यहाँ के, किसी ने भी नहीं किया। अब ये हमको हमारा काम बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आज हम लोगों से पूछा गया तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। यही एमआईएम पार्टी थी जिसने दोनों लॉकडाउन में, दोनों पहले वाले लॉकडाउन में भी, दूसरे लॉकडाउन में भी 10,000 फूड किट का वाटर किए। पीपीई किट क्या होता है किसी को पता नहीं था, जब पीपीई किट क्या मास्क के लिए मारामारी चल रही थी उस दौर में, एमआईएम पार्टी ही पहली ऐसी पार्टी थी जिसने सोलापुर शहर में अस्पतालों में पीपीई किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। सबसे ज्यादा मास्क वाटर हम लोगों ने किए, हर गरीब के साथ खड़े होने का काम हम लोगों ने किए। अरे आप हमसे सवाल करते हो, अगर आप जितना राज इस सोलापुर शहर में किए हो, आपने जिन जिन पदों को भोगे हो, अगर उसका आधा भी अगर मैं या हमारे कोई भी एमआईएम वाले के पास उतनी पावर होती, तो मैं ये आप लोगों को आज वादा करता हूं कि हम सोलापुर शहर की जितनी भी गरीब जनता है उनको घर बैठे घर पहुंच पूरा लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होता उनके खाने की सुविधा करके दी होती। हमारी हालत से जितना हुआ हमने किए, हम ना सत्ता में है, हमारा ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना हम माजी मुख्यमंत्री रहे, ना गवर्नर रहे, ना ऊर्जा मंत्री रहे, ना हम आमदार रहे, फिर भी हमारे अंदर एक जज्बा है काम करने का। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन इतने निचले स्तर पर जाकर लोगों को गाफिल कर मुसलमान समाज को कुरान का नाम लेकर जलील कर ये राजनीति करना बंद कीजिए। आप मुसलमान ही नहीं, दुनिया का हर नागरिक जागरूक हो गया है, ये सोशल मीडिया का दौर है। और आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप हमें बी टीम बोलो सी टीम बोलो, अब उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान के मुताबिक हमको जो अधिकार मिला है ऑफिशियली इलेक्शन लड़के हमारा हक हासिल करने का, अब हम वो हक हासिल करके रहेंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, बाकी जनता जनार्दन है, उनको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो इन द एंड मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो कल स्टेटमेंट आया था, हम एमआईएम पार्टी की तरफ से हम इसका निषेध करते हैं। शुक्रिया। जय एग्जाम्पल लेते हैं हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुलबर्गा का एक एग्जाम्पल दिए, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस से उम्मीदवार थे खासदार के लिए, उनकी हार हो गई, वहां पर तो कोई वंचित आघाड़ी नहीं थी। तो और ऐसे एक कई एग्जाम्पल्स है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, ऐसे और भी कितने राज्य ऐसे है जहां पर एमआईएम का कोई उम्मीदवारी नहीं है, फिर भी कांग्रेस अपनी सीटें अपनी जमानत बचाने में असफल रही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब ये बस करें, ये बहुत पुरानी कैसेट हो गई है कि एमआईएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ना बंद करें। इससे बेहतर, मैं बहुत छोटा हूं हर एतबार से, फिर भी मैं एक नसीहत देना चाहूंगा कि आज के बाद से एमआईएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ने से बेहतर ये होगा कि आप अपना वो एनालिसिस करें, अपनी पार्टी के अंदर हम क्यों हार रहे हैं, हमारी क्या कमियां हो रही है, हमारे कौन से नेता हम लोगों को छोड़कर पार्टी को वीक करके बाहर जा रहे हैं। अगर आप लोग इस पे एनालाइज करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में इसका फायदा होगा। होता ये है कि आपके अंदर के नेता काम नहीं करते हैं, लेकिन आप उनको दोष देने के बजाय एमआईएम को दोष देते हो, तो वो नेता वैसे ही रहेंगे हमेशा और वो आगे भी आप लोगों के लिए घातक बने रहेंगे। तो मेरा मशवरा ये है, हम लोगों को बी टीम बोलना छोड़ दीजिए, जबकि आज पूरे भारत देश की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस, हम तो अगर आप बी टीम बोलते हैं तो कांग्रेस ए टू जेड टीम है, हम सिर्फ अगर बी है तो आप ए टू जेड हो, क्योंकि आपकी पार्टी से जीता हुआ आमदार हो खासदार हो माइग्रेट कर जाता है भाजपा में, वो भाजपा का मिशन लोटस को सक्सेसफुल करने के लिए पलटी मार देता है, वहां पर सत्ता पलट हो जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और अगर हम सोलापुर शहर का ही एग्जाम्पल दें, 2019 के विधानसभा इलेक्शन में जो जब मैं एमआईएम का उम्मीदवार था, मेरे खिलाफ प्रचार के लिए इसी सोलापुर शहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां पर आए थे प्रचार करने के लिए कांग्रेस की तरफ से, ये बोलना जरूरी है क्योंकि आज वो कांग्रेस में नहीं है, आज वो बीजेपी में। तो मेरा ये सवाल है कि आप बताएं कि बीजेपी की बी पार्टी कौन है, बी टीम कौन है। अगर आप लोग इस चीज से बाज नहीं आएंगे तो आगे भी आप लोगों को ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। और रही बात एमआईएम की, एमआईएम के काम करने की, तो मैं आपको बताता चलूं कि आपके जो भी खबरी है उनको, उनकी जरा पगार बढ़ाइए आप, लगता है कि आप पगार बराबर उनको टाइम पर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन गलत जा रही है। एमआईएम ने लॉकडाउन में जितना काम सोलापुर शहर में की है, मैं समझता हूँ उतना काम किसी भी सत्ताधारी पक्ष हो या जो भी लीडर्स हो यहाँ के, किसी ने भी नहीं किया।
अब ये हमको हमारा काम बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आज हम लोगों से पूछा गया है तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। यही MIM पार्टी थी।